हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएस टेक। आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम एक नई टिक्स क्रिएट करते हैं तो एक एरर आता है, तो आज इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर करना, और आपको पसंद आए तो लाइक जरूर। पहले मैं आपको ये प्रॉब्लम एक बार दिखा के बता देता हूँ। तो सर्च में चलना है और टाइप करना है दिस पीसी। टाइप करने के बाद में हमें मैनेज पे क्लिक करना है। मैनेज पे हमें क्लिक करने के बाद में एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा, उसमें हमारे सिस्टम का पूरा डाटा शो होता है। हमें चलना है सबसे नीचे डिस्क मैनेजमेंट। ये देखिए 19.53 GB का स्टोरेज है, जो कि एक नई डिस्क इसे क्रिएट नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं, ये एरर आ जाता है। तो इसका सोल्यूशन के लिए हमें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसे करते हैं ओके, और इसको करते हैं कैंसिल। कैंसिल करने के बाद में एक वेबसाइट है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप आसानी से इसे वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो हमें गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में हमें लिंक पेस्ट करनी है। लिंक पेस्ट करने के बाद हमें क्लिक करना है, ये ऑफिशियल लिंक है इसकी। तो नीचे चलना है, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। डाउनलोड का ऑप्शन आने के बाद में हमें डाउनलोड नाउ पर क्लिक करना है। डाउनलोड नाउ पर क्लिक करने के बाद में ये नया पेज ओपन होगा, इसे कर लेना है। ये ऐड है तो इसे कैंसिल क्लोज कर लेना है, और नया पेज इसमें ओपन हो गया। इसमें शो कर रहा है योर प्रोग्राम इज़ नाउ डाउनलोडिंग, इसका मतलब हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। नीचे अभी शो कर जाएगा, ये देखिए नीचे शो कर रहा है। और दोस्तों बता देता हूँ कि मेरे पहले से ये एप्लीकेशन इंस्टॉल है, तो डाउनलोड भी है और इंस्टॉल भी है। तो मैं एक बार इसे डाउनलोड होने देता हूँ, फिर बताता हूँ कि मेरे पहले ऑलरेडी डाउनलोड हो रखी है ये फाइल। ये ओपन करते हैं, तो ओपन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो मैं डाउनलोड पे जाता हूँ। ये देखिए डाउनलोड पे जाने के बाद में ये नई फाइल ऊपर डाउनलोड हो रही है, और नीचे मेरी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में ये ओपन हो गई एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के लिए कम्प्लीट हो गई है। मैं इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद में ये स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉल होना। तो देखते हैं आगे ओके करके, और मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैंने इसे कैंसिल कर लिया। ये देखिए मेरा ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है, तो मैं इसे कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद में ये परमिशन मांगेगा, परमिशन को हमें ओके कर लेना, और बाद में ये डेस्कटॉप आपका खुल जाएगा। यहाँ देखिए कि 11 MB का एक मेरा फ्री स्पेस पड़ा है, एक 19.53 का पड़ा है, दो पड़ा है। तो सबसे पहले हम 11 MB वाले को करते हैं क्रिएट एन ऐप पर क्लिक करते हैं, और इसे करते हैं ओके। ओके करने के बाद में ये सारा शो हो जाएगा कि ये ऐसा बनेगा, और डी ड्राइवर इसका नाम रहेगा। अप्लाई पे क्लिक करना है साइड में ऊपर, और प्रोसेस पे क्लिक करने ओके कर देना है। प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। प्रोसेसिंग शुरू होने के बाद में ये इन्फॉर्मेशन आएगी, कॉन्ग्रेचुलेसन योर डिश इज क्रिएट। इस पीसी पे जाना है और देखना है ये डी ड्राइवर हमारा बन चुका है। सो इस प्रकार से आप ड्राइवर बना सकते हो, और एक ड्राइवर से दूसरे ड्राइव को स्टोरेज कैसे बढ़ाते हैं, तो प्रोसेस उसका यह है कि उस ड्राइव पर क्लिक करना है, और मेरा सी का मैं तुम्हें सी पे ओके कर लेता हूँ। ये देखिए 53.81 GB का बता रहा है, तो मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, और लोड होना शुरू हो गया। तो प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। एक डिस्क दूसरी डिस्क में तभी मर्ज होगी जब आपका पीसी रीस्टार्ट होगा, तो इसे रीस्टार्ट पे क्लिक करें।